लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पार्टियों का बड़ा सवाल। चुनाव आयोग ने शनिवार 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का शेड्यूल बताते हुए ऐलान किया कि देश में इस बार 7 फेज में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। पहली वोटिंग के ठीक 46 दिन बाद यानी 4 जून को नतीजे आएंगे। चुनाव के लंबे शेड्यूल को लेकर विपक्ष पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि 7 फेज तक चुनाव को खींचने से बड़ा जेब वाली पार्टी को फायदा मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा यह चुनाव 3 से 4 फेज में हो सकते थे। 7 फेज का मतलब है कि मोदी को पूरे देश में घूमना है, इससे उनको प्रचार के लिए ज्यादा मौका मिलेगा। महाराष्ट्र TV24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।